हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉमन कोल्ड की आपको ट्रीटमेंट सिखाने वाले। कॉमन कोल्ड यानी के सर्दी जुकाम। तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर साइंस के हिसाब से कॉमन कोल्ड यानी के सर्दी जुकाम होने के सबसे कॉमन दो रीज़न होते हैं। एक होती है ठंडी और दूसरी होती है गर्मी। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है या तो ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो यह दो रीज़न की वजह से हमें सर्दी जुकाम हो सकता है। यहाँ पर यह दोनों रीजन की वजह से जो सर्दी जुकाम होते हैं, इनके सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर इनकी ट्रीटमेंट हमें दो अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है। अगर सर्दी जुकाम आपको ठंडी की सीजन में हो रही है, या तो फिर ठंडा खाना खा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, या तो फिर आप ठंड की सीजन में बाहर घूमने गए और आपको ठंडी हवा लग गई है, इनकी वजह से जो सर्दी जुकाम होती है उनका रीज़न ठंडी माना जाता है, तो इनकी ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है। और अगर आपको सर्दी जुकाम गर्मी की सीजन में होती है, या तो फिर सीजन चेंज होती है, जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है और आपको सर्दी जुकाम होती है, या तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको सर्दी जुकाम हो रही है, तो इनका होने का रीजन है आपके शरीर में हीट ज्यादा पैदा हो रही है, तो इनको आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको सर्दी जुकाम शरीर में ठंडी बढ़ने की वजह से हुआ है, या तो फिर ठंडी की सीजन में हुई है, ठंडा पवन लगने की वजह से हुआ है, तो किस तरीके से आप करोगे। यहां पर आपको एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को ट्रीटमेंट देनी है, और आपको अगर सर्दी जुकाम ठंड लगने की वजह से हुए या तो कोल्ड फैक्टर की वजह से हुए, तो इनकी सारवार बहुत ही आसानी से घर पर ही कर सकते हो बिना किसी दवाई के। तो यहां पर जो पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है LU7 यानी कि लंग मेरिडियन का 7 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो इस वीडियो में यह पॉइंट का लोकेशन जान लेते हैं, किस तरीके से इनको दबाना है, कैसे मैग्नेट या तो सीड थेरापी से यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को ट्रीटमेंट देके आप ठंडी की वजह से जो सर्दी जुकाम हुई है इनकी सारवार बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहां पर हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें इस जगह पर मिलता है। जान लेते किस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट करना है। यह पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहले आपको इनके ऊपर वाला जो यह पॉइंट है इनको लोकेट करना है। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, यह इंडेक्स फिंगर का जो यह लास्ट जोड़ है, यह लास्ट जोड़ की जो यह लाइन है, यह लाइन का जो थंब साइड का यह एंड है वह पॉइंट हमें मार्क कर देना है। अभी यह पॉइंट से थोड़ा सा नीचे इस जगह पर हमें हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। फिर से जान लेते हैं, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर का यह लास्ट जोड़, यह लास्ट जोड़ की यह लाइन का थंब साइड का जो एंड है वह एंड से थोड़ा सा नीचे इस जगह पर हमें हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। बहुत ही आसानी से आप यह पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। यह पॉइंट को लोकेट करने के बाद इस जगह पर हमें इस तरीके से 2 मिनट के लिए एक्यूप्रेशर देना है। यह पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना। इनके बाद यहाँ पर आप मैग्नेट या तो सीड थेरापी से ट्रीटमेंट दीजिए, तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर मैग्नेट थेरापी के लिए हमें इस तरीके के स्मॉल साइज के मैग्नेट का इस्तेमाल करना है। यह मैग्नेट की खासियत यह है कि इनकी सरफेस इस तरीके से व्हाइट होती है और एक सरफेस इस तरीके से येलो होती है। अगर येलो सरफेस हमारा जो पॉइंट है इनके कांटेक्ट में आती है, तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी बढ़ती है, और अगर व्हाइट सरफेस हमारा जो पॉइंट है इनके कॉन्टेक्ट में आती है, तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी कम होती है। यहां पर हमें हमारा जो पॉइंट है इनकी एनर्जी घटानी है, कम करनी है, इसलिए मैग्नेट की जो व्हाइट सरफेस है यह व्हाइट सरफेस को यह पॉइंट के कॉन्टेक्ट में लगानी है। जान लेते किस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई करना है। आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है, यह टेप के ऊपर मैग्नेट को इस तरीके से लगा देना है ताकि ऊपर से आपको व्हाइट सरफेस दिखे और टेप के पीछे से आपको येलो सरफेस दिखे। फिर हमारा जो पॉइंट है वह पॉइंट पर यह मैग्नेट को इस तरीके से लगा दीजिए। इनके ऊपर आप दूसरी टेप भी लगा सकते हो ताकि मैग्नेट यहां पर अच्छी तरीके से चिपका हुआ
रहे। यह मैग्नेट को आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो या तो फिर रात को लगा दिए सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो। यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर आपके पास यह मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आप सीड थेरापी से भी यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो। यहाँ पर सीड थेरापी के लिए हमें स्मॉल साइज के सीड्स का इस्तेमाल करना है। आप मूंग के दाने ले सकते हो या तो फिर मेथी के दाने ले सकते हो, यानी कि फेनुगिक सीड्स, या तो फिर कोई दूसरे स्मॉल साइज के सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैं मेथी के दाने ले रहा हूँ, आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है, यह टेप के ऊपर थोड़े से मेथी के दाने के दाने को इस तरीके से चिपका देना है। फिर हमारा जो पॉइंट है वह पॉइंट पर यह दानों को इस तरीके से लगा देना है, यह टेप को अच्छी तरीके से चिपका देना है। इनके ऊपर भी आप दूसरी टेप लगा दीजिए ताकि यह सीड्स यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपके हुए रहे। मैग्नेट की तरह यह सीड्स को भी आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो फिर रात को लगा दिए उस सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो। पर मैग्नेट की तरह यह सीड्स को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो सीड्स होते हैं इसमें हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है, जो कि हमारा डिसीज है उनको हील करने में यूटिलाइज्ड हो जाती है। इसीलिए फिर यह सीड्स हमारे कोई काम के नहीं रहते है। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नए सीड्स लेना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन जान लिया, किस तरीके से इनको दबाना है, कैसे मैग्नेट या तो सीड थेरापी से या सिंगल पॉइंट को ट्रीटमेंट देके आप अगर ठंडी की वजह से सर्दी जुकाम हुई है तो इनकी सारवार बहुत ही आसानी से घर पर ही कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।